भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर जस्टिस फॉर ऑल बाय स्वराज मेरा अधिकार एक कार्यक्रम हुआ 6 अगस्त 2022 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के एडवोकेट वहां उपस्थित रहे। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह ने संत आसाराम जी बापू की रिहाई को लेकर आवाज उठाई, जिस पर आरोप लगे, लेकिन आरोप से पहले उसका जीवन क्या रहा जो आपने देखा। अगर हम बात करें संत आसाराम बापू के केस की, क्योंकि जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए मैं आज बात कर रहा हूं, केस लगने से पहले क्या था, क्या उन्होंने वैलेंटाइन, जो भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अनमोल है, सभी वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है, लेकिन उस भारतीय संस्कृति को जिंदा करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारे बच्चों को प्रेरणा देने का काम, आज देश से जो लव जिहाद की बात की जाती है, लव जिहाद को रोकने की शुरुआत अगर होती है तो वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे और हक डे से होती है, तब वो आता है लव जिहाद। लव जिहाद एक साथ नहीं घुस के चला आता है हमारी बहन बेटी के घर पे, उसके फोन में एक साथ नहीं घुस के आता है, पहले उसमें शुरू होता है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हक डे। क्या उस संत आसाराम बापू ने इन सब लव डे, किस डे, हक डे रोकने के लिए काम नहीं किया? क्या यह सत्य नहीं है कि धर्म अंतरण की बात की गई, कानून बनाने की बात की गई, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, सॉरी राजेंद्र गहलोत जी का बिल जाएगा, उसमें समाधान होगा, लेकिन आसाराम बापू सांसद नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे। वो बात अलग है कि उनके यहां सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले भी बैठे हैं हमारे पूर्व, सभी राजनीतिक दल के लोग उन संत के यहां आते थे, झुकते थे, नमन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बल पे लड़ाई लड़ी और इन सब चीजों के खिलाफ लड़े, धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़े हो, और इस सब का सारा परिणाम क्या हुआ, दारोमदार चलता रहा, एक संत अकेले लड़ता रहा, एक ऐसे झूठे केसों में फंसा दिया गया। और बात न्याय की बात की रहे, जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उम्र के इस पड़ाव में आप रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए मुझे, इतनी उम्र का अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, हार्ड कोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बकालत करता हूं, हमारे पीपी साहब बैठे, चीफ पीपी साहब, हमने इनसे सीखा, 25 साल में देखा है, हार्ड कोर प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं, मैं चेक नहीं करता, माननीय मंत्री जी बैठे, बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं और मैं उनके लिए वकालत करता हूं, पैसा लेता हूं, काम करता हूं उनके लिए बिना हिचक, लेकिन क्या वो हार्ड कोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल अफेंडर है, प्रोफेशनल अफेंडर है? कोरोना काल में सबको छोड़ा गया, बड़े बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल को छोड़ा गया, हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, अनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आसाराम बापू जी को नहीं छोड़ा। बताइए क्या है, संतों को क्यों नहीं न्याय मिल पाता है? आज जरूरत इस बात की कि जस्टिस फॉर ऑल न्याय मिल पा रहा है, कि न्याय के क्षेत्र में अगर कोई कमी रह गई हो, जैसे संत आसाराम बापू जी के केस में निश्चित तौर पर सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के आप लोग बताइए, ईमानदारी से दिख रहा है